आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज टेंडर हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रांची द्वारा आयोजित कार्यक्रम गार्गी मंजू सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक बच्चों के भविष्य के निर्माता और मार्गदर्शक होते हैं, जो युवा मस्तिष्क को दिशा प्रदान करते हैं और उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मंजू गार्गी 35 वर्षों के करियर के दौरान एक समर्पित शिक्षिका और उत्कृष्ट प्रशासक रही। उनके मार्गदर्शन में शिक्षकों के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप यहाँ के विद्यार्थी साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर अपनी प्रतिभा से वैश्विक स्तर पर परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने को तैयार हुए। राज्यपाल महोदय ने कहा कि शिक्षक मार्गदर्शक, परामर्शदाता और मित्र के रूप में कार्य करते हैं, अपने छात्रों को शिक्षा, सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे हमें खुद पर विश्वास करना, विपरीत परिस्थितियों में बने रहना और हमेशा सीखने के लिए प्रोत्साहित करना सिखाते हैं। मूलतः वे हमारे सपनों और आकांक्षाओं की नींव रखते हैं और इस नींव के आधार पर वे समाज के लिए बड़े से बड़े काम करते हैं। राज्यपाल महोदय ने कहा कि हमारी संस्कृति में विश्व बंधुत्व की भावना रची बसी है। ये कोविड महामारी के समय से स्पष्ट देखने को मिला, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में विकसित कोविड के टीका को देशवासियों के साथ साथ अन्य देशों को भी निशुल्क उपलब्ध कराया। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है विकास। राज्यपाल मोदी ने कहा कि हमारे देश में विविधता में एकता है। देश का सर्वांगीण विकास तभी होगा जब समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी विकास होगा। इसके लिए सभी तक शिक्षा की पहुंच आवश्यक है और यह हम सबका दायित्व है। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हमें अपनी गौरवशाली परंपरा के साथ सामंजस्य बैठाते हुए शिक्षा में हो रहे गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावकारी बदलाव को भी अपनाना होगा। उक्त अवसर पर राज्यपाल महोदय ने विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षकों को सम्मानित भी किया। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।